अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट। ये सफ़ा आपको चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज पे देखने को मिलेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पेज और इसको थोड़ा सा मुझे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे आपको ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइज़, और इसके आगे काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे साइज़ 6 है, साइज़ 8 है, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। नाउ ये जो साइज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम साइज़ जो हैं बेसिकली अमेरिकन मार्केट के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि दिस इज़ एन अमेरिकन बुक। तो इनिशियली जब हम अपना काम सीखेंगे और जब हम पैटर्न्स बनाएंगे तो हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड साइज़ फॉलो करना है। तो हम जो साइज़ फॉलो करेंगे दैट इज़ साइज़ 10। ठीक है जी, आप अपने जो किताब है उसके ऊपर पेंसिल से यहाँ पे टिक लगा लें ताकि आपको पता हो कि दिस इज़ द साइज़ दैट यू आर सपोज टू फॉलो, साइज़ 10। अब करना क्या है नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इफ़ यू सी ऑल द मेजरमेंट्स दैट आर कमिंग अंडरनीथ साइज़ 10, ये तमाम की तमाम मेजरमेंट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे बस्ट 36 है, वेस्ट 27.5 है, एब्डोमन 34 है, ये तमाम की तमाम मेजरमेंट्स जो हैं वो ये इंचेस के अंदर मेंशन हुई हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ इंचेस से काम नहीं करना, वी हैव टू वर्क विद द सेंटीमीटर यूनिट एज़ वेल। सो वी हैव टू यूज़ 2 यूनिट्स फॉर आर फैशन डिज़ाइन पैटर्न मेकिंग, दैट इज़ इंचेस एंड द अदर वन इज़ सेंटीमीटर। तो ये 2 यूनिट्स समझने के लिए आपको कुछ डिटेल्स मैं अभी प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 36 इंचेस। अब 36 इंचेस को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके मुतालिक हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 36 इंचेस के मुतालिक बात की जा रही है, 36 इंचेस को कन्वर्ट करना हो आपने सेंटीमीटर के अंदर, तो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 डैश मैं ऊपर लगा रहा हूँ, इन 2 डैशेस का मतलब है कि द मेजरमेंट इज़ इन इंचेस, ये इंचेस को डिफाइन करता है। 36 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 आपने करना है, तो इसका जवाब आपके पास आता है 91.44 सेंटीमीटर। तो आपने 36 इंचेस को सेंटीमीटर में ऐसे कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2.54। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी मेजरिंग टेप के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 91.4 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 4 के फौरन बाद जो है वो आपको 5 देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो हम करते क्या हैं, इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, वी विल राउंड ऑफ। जैसे आप फ्यूल स्टेशन पे गए और आपका आपने कहा कि गाड़ी का टैंक फुल कर दें एंड द बिल इज़ 3,999, तो मोस्ट लाइकली आप जो है वो आप उसको 4,000 रुपीज़ ही देंगे। तो इसी तरीके से जो फाइनल आंसर आपका बनेगा दैट विल बी 91.4। इफ़ दिस नंबर दैट यू सी ओवर हेयर, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो इस नंबर के अंदर आपने 1 ऐड कर देना है। इफ़ इट इज़ बिलो 5 तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, जैसे 91.4 ही लिखा है। अगर ये 91.45 या 91.46 या 7 होता तो फिर फाइनल मेरा आंसर होता 91.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सो दिस इज़ योर फाइनल कन्वर्जन ऑफ 36 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। आपको अक्सर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को ऐसे मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है 14.5/8। तो ये जो आपको वैल्यू यहाँ पे 14.5/8 नज़र आ रही है, इसको आपने कैसे ट्रीट करना है। सो लेट्स राइट ओवर हेयर 14.5/8। सो 14 जो है वो हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, और 5 डिवाइडेड बाय 8 हम जब करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.625 प्लस
0.625. So when you add both of these values, now this that you see value over here or jo aapko value yahan pe nazar aa rahi hai, they both are the same. The only difference is this value is in fraction aur ye wali jo value hai wo decimal mein hai. Now they both are in inches aur inches ko is value ko centimeter mein convert karne ke liye you have to multiply 14.625 by 2.54. So your answer will be 37.1475. Now, once you have this value, this is in centimeter. Now you have to round off and bring just one digit after the decimal. And this is your final answer, 37.1 centimeters. So you convert 14.58 of an inch into centimeter, and this is what you get in centimeter. अब आपने करना ये है कि ये तमाम की तमाम साइज़ 10 की जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं इनको आपने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ऑल ऑफ़ दीज वैल्यूज़. और जो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका जवाब आपने यहाँ पे लिखना है, फ़ाइनल आंसर. जैसे ये 36 इंचेस को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जवाब यहाँ पर लिखना है. इसी तरीके से वेस्ट 27.5 इंचज़ है, उसका जवाब यहाँ लिखना है. एब्डोमेन की जो मेजरमेंट आ रही है सेंटीमीटर में, उसका जवाब यहाँ लिखना है. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेजरिंग टेप एंड हाउ यू आर सपोज टू रीड द मेजरिंग टेप. अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज अ मेजरिंग टेप. इसकी एक तरफ जो है यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है इट्स इन इंचेस, ठीक है. यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो आप देख रहे हैं दे ऑल आर इन इंचेस. और इसी की ऑपोजिट साइड यानी कि इसकी जो बैक साइड है अगर आप यहाँ पे देखें तो दे ऑल आर इन, ऑल द वैल्यूज दैट आर रिटन ओवर हेयर आर इन सेंटीमीटर्स जी, ठीक है. नाउ इफ यू सी क्लोजली तो जो हमारे इंचेस हैं ईच इंच इज डिवाइडेड इंटू 8 सेक्शंस. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. जैसे कि दिस इज द starting point, that is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, and this is the 8th part. yani ke ye 1 inch jo hai 8 hisson ke andar taqseem hua hoga. now jab aap measurements le rahe hote hain to ye agar aapki bilfarz measurement yahan tak aa rahi hai to what is this supposed to mean? starting from here this is 0/8, यानी कि फ्रैक्शन की जबान में बात कर रहा हूं. यहां पे बात करेंगे तो दिस इज 1/8, यहां पे बात करेंगे तो दिस इज 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, and this last one is 8/8. Now, अब आपने देखना यह है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इनमें डिविजिबल है. 1 और 8 जो है वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो इट विल रिमेन एज इट इज. सेकेंड केस में देखें यानी कि 2/8 जो है 2 1s are or 2 4s are.
यानी कि आपने इसको कट किया तो आपके पास जवाब आ गया 1/4, इसको 1/4 की फॉर्म में लिख दिया। थर्ड केस में 3/8 जो है वो आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इट विल रिमेन एज सेम। 4/8 जो है वो आपस में डिविजिबल है, तो आपने 4 1s और 4 2s, तो यानी कि 1/2 आ गया आपके पास। देन वी हैव 5/8, दे आर नॉट डिविजिबल विद ईच अदर, सो इट विल रिमेन द सेम। 6 and 8 आर डिविजिबल विद ईच अदर, 2 3s आर एंड 8 is 4s आर, सो योर आंसर इज 3/4। यहां पे अगर आप देखें तो इट्स 7/8, दे आर नॉट डिविजिबल विद ईच अदर, एंड 8/8 यानी कि 8 1s आर एंड 8 1s आर, तो आपका जवाब जो है वो 1 आ जाता है। ठीक है, सो एवरी टाइम जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं, आपने बॉडी की मेजरमेंट लेनी है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी वैल्यू जो है वो ऑल द वे यहां तक आ रही है, मैं इसको यहां पे मैच कर देता हूं। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, अगर आपकी वैल्यू 36 आ रही है एग्जैक्ट, तो आप इसको 36 कंसिडर करेंगे। अगर यहां तक वैल्यू आ रही है तो आप इसको लिखेंगे 36 1/8, यानी कि इसको आपने ऐसे मेंशन करना है, 36 1/8। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। अगर यहां पे आपकी वैल्यू आ रही है तो आपने लिखना है 36 2/8, भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 2/8 ना लिखें तो 1/4 आर द सेम थिंग। 1/4 एंड 2/8, दे बोथ आर द सेम थिंग। इस वैल्यू को आप क्वार्टर कहते हैं, इस वैल्यू को आप हाफ कहते हैं, और इस वैल्यू को आप 3/4 कहते हैं। ठीक है जी, सो इफ योर वैल्यू इज कमिंग हाफ वे ओवर हेयर, सो दिस इज 36 1/2, यानी कि 36 1/2। इफ योर वैल्यू इज कमिंग ऑल द वे ओवर हेयर, तो आपका जवाब आएगा 36 5/8, 36 6/8, या आप 3/8 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 36 7/8 सेज ओवर हेयर, और पूरा यहां पे जो है वो 37 हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू टेक द मेजरमेंट ऑन योर मेजरिंग टेप। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आर सेंटीमीटर। नाउ इन सेंटीमीटर, इफ यू सी ओवर हेयर, सेंटीमीटर के 8 सेक्शंस नहीं है, सेंटीमीटर हैज 10 सेक्शंस। यू कैन काउंट फ्रॉम योर सेंटीमीटर मेजरिंग टेप एज वेल। यहां पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा इन द वीडियो, बिकॉज दिस इज टू स्मॉल कि मैं इसको जूम कर सकूं, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, देन वी हैव 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, एंड 10 इज बेसिकली 1। इसी तरीके से आपकी सेंटीमीटर्स की जितनी वैल्यू आती है वो आप फ्रैक्शन में नहीं लिखते, वो आप डेसिमल में लिखते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में। तो इंचेस में जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू आर वर्किंग विद फ्रैक्शन, तो आपने तमाम के तमाम आंसर जो हैं वो ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड हाउ टू रीड द मेजरिंग टेप, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।